चाहे वो कोई इत्तेफाक है या फिर अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम या कोई इशारा या कोई मैसेज है। ये मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि आलम के तमाम इंसानों के लिए इसमें एक मैसेज है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फलस्तीन के हालात आज क्या बने हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों यहूदियों ने गजा के अंदर मस्जिद अल अमीन को शहीद कर दिया। अब यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देख लीजिए या फिर अल्लाह का मोजज़ा कहिए कि वहाँ पर एक कुरान करीम के एक सफ़े का टुकड़ा मिला कि जिस पर लिखा हुआ था जुंदना लहुमुल गालिबून, कि तुम्हारा ही लश्कर गालिब होकर रहेगा।